अगर आपको यूएसए जाना है आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि यूएसए कैसे जाते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक पूरी की पूरी लिस्ट लेके बैठी हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या टूरिज़म पर्पज़ ट्रैवल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उसके इसके लिए B1 B2 वीज़ा चाहिए होता है। अब आपको इसके लिए DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि आपको मैं वेबसाइट लिंक में भी दे दूंगी, और वैसे जो वेबसाइट होती है वो होती है CEAC.state.gov, और इस वेबसाइट पर जाकर के आपको DS-160 फॉर्म फिल करना होता है। ये वाला फॉर्म वो आपसे फिर आगे जाके इंटरव्यू में भी और बायोमेट्रिक में भी मांगता है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपसे आपकी कंट्री पूछेंगे। इंडिया के अंदर टोटल 5 सिटीज़ दे रखी है इन्होंने, जिसके अंदर आप कोई सी भी सिटी चूज़ कर सकते हो जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो। तो हमने दिल्ली चूज़ किया था, तो हम लोग दिल्ली गए थे अपने इंटरव्यू के लिए और बायोमेट्रिक के लिए। फिर आपको लॉगिन आईडी अपनी बनानी पड़ेगी, USVisaScheduling.com पे आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, और फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसके अंदर, और फिर उसके बाद में आपको जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी पूछते हैं वो सब आपको बताना होगा। वहाँ पे आप अपना DS-160 फॉर्म रिट्रीव करोगे और सारी डिटेल्स फिल करोगे, और जिसका पेमेंट है वो 15,500 रुपीज़ है इंडियन करेंसी, और USA में $185 है। बहुत महंगा है ये, और आई थिंक अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वीज़ा प्रोसीजर्स अगर हमने कोई देखे हैं तो आई थिंक ये था सबसे ज़्यादा महंगा। अच्छा, जो आप जो ये फीस जो पेमेंट करोगे वीज़ा का, ये रिफ्लेक्ट होगा 2 दिन के बाद में, एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। ओके, तो जो सबसे मेन चीज़ है वो आएगी अब आपको जब आप अपना पेमेंट कर दोगे उसके बाद में आपको बायोमेट्रिक और जो US कॉन्सुलेट जाके जो इंटरव्यू देते हैं वो, इन दो चीज़ों के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये ऑनलाइन लेना पड़ता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था हमारे इस पूरे US वीज़ा प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि यू नेवर नो कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि भाई स्लॉट्स हैं वो अभी मिल रहे हैं, तो मतलब सब लोग एक साथ उस स्लॉट को बुक करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत जल्दी से वो स्लॉट खुलता है और बहुत जल्दी से वो बुक हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि हमने कोई एजेंट नहीं किया था, तो मेरे हस्बैंड ने लगातार 2 से 3 दिन तक लगातार लैपटॉप पे बैठ के और उस स्लॉट को बुक करने की कोशिश करी थी। वो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, उसके अंदर आपको फटाफट से अपना कंट्री, अपनी कौन सी सिटी के अंदर आपको चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए आपको, ये सब आपको उसके अंदर बताना पड़ता है। तो उसके अंदर विद इन सेकेंड्स, मतलब बहुत बहुत क्विक होना पड़ेगा आपको, और यू नेवर नो कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट्स था, हमको 4 से 5 दिन लग गए उसको, वो सब करते करते स्लॉट बुक आ रहा है, स्लॉट खुल रहा है, स्लॉट बंद हो रहा है, इन सब में हमको 4 से 5 दिन लग गए थे। और जैसे ही हमको वो स्लॉट मिल गया तो फिर हमको उन्होंने डेट बता दी, 1 महीने बाद की दे दी थी लकीली। तो जैसे अगर हमने नवंबर में अगर हमने ये स्लॉट बुकिंग करने की कोशिश करी थी तो हमको दिसंबर के एंड लास्ट वीक की डेट मिल गई थी, और उसके अंदर हम लोगों ने अपने दोनों इंटरव्यू जाके, जो एक बायोमेट्रिक था वो हमने जाके दे दिया था दिल्ली में, और फिर जो इंटरव्यू था वो भी दिल्ली में ही था, तो इन दोनों के बीच में 7 डेज का गैप था। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितने दिन के गैप में ये दोनों अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, किसी किसी को 1 दिन के गैप में भी मिल जाती है, किसी के बहुत ज़्यादा दिन का गैप हो जाता है। तो हमारे 7 डेज का गैप था, उस हिसाब से आपको सिटी जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, तो फिर उसके बाद में जो आपका पासपोर्ट है वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर आ जाएगा। आई थिंक 7 दिन के अंदर अंदर हमारा जो वीज़ा था वो हमारे घर बाय पोस्ट आ गया था, और फिर जब वो जो पोस्ट आता है उसको आपको डिलीवरी पर्सन को 900 रुपये देने पड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऑनलाइन नहीं होती, ये बाय कैश ही आपको उसके हाथ में ही पकड़ाना पड़ेगा। तो हमने उसको 900 रुपये दे दिए थे, और फिर अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस लगे इस पूरे प्रोसेस में,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेलिंग में कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अब मैं बात करना चाहूंगी कि बायोमेट्रिक और यूएस इंटरव्यू के लिए क्या क्या होता है। जो बायोमेट्रिक है उसमें कुछ खास नहीं करना पड़ता, आपको अपने जो VFS जो ऑफिस है दिल्ली में वहाँ पे जाना पड़ता है, और वो आपका वहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग वगैरह लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, वो सब कुछ उस फॉर्म के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डिटेलिंग में चाहिए तो मैं वो बता सकती हूँ। तो आपका DES-160 फॉर्म लेके जाना होगा, और उससे जुड़े हुए जो जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो सब लेकर के जाने होंगे। पासपोर्ट एंड ऑल तो ऑब्वियसली है ही इंपॉर्टेंट। और जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होगा उस दिन कुछ खास नहीं है, वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपकी फ़ोटो लेंगे, बायोमेट्रिक के अंदर कुछ खास नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटरव्यू वाले दिन क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। यूएस इंटरव्यू देना इसको एक इजी टास्क नहीं माना, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज माना जाता है अभी तक का। मैं 18-19 कंट्रीज जाकर के आई हूँ, अगर कहीं पे भी किसी, पहली बात तो किसी का कोई इंटरव्यू हुआ भी नहीं, और अगर कोई वीज़ा प्रोसेस भी हुआ है तो वो भी बहुत आसान था, कुछ खास ज़्यादा करना नहीं पड़ा था। लेकिन इस यूएस इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के मैं प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे क्या बोलना है और किस तरीके से अपनी बात रखनी है। तो बेसिकली जो यूएस एम्बेसी में जब आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो जो पर्सन आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा वो बस ये जानना चाहता है कि क्या आप वापस आ जाओगे, क्या क्या आप यूएसए में रहने का प्लान तो नहीं कर रहे, और आपकी इनकम क्या है यहाँ पर, अगर आप जाओगे तो स्पॉन्सर कौन करेगा आपकी ट्रिप, और ऐसे दो तीन मोटे मोटी चीज़ों को वो लोग टिक करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली उनके बॉक्सेस बने हुए हैं, इस बॉक्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो टिक 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 ऐसे करके, और फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब मैं गई इंटरव्यू देने के लिए तो मैं अपने दिमाग में सोच के गई थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चलेगा, वो मुझसे बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन जब मैं गई तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू 1 मिनट के अंदर पूरा हो गया। उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये चीज़ पूछी कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, और फिर मिलेंगे तो फिर थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर ही लेंगे। सेकेंड उन्होंने पूछा कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं, मैंने बता दिया वो एग्जैक्टली यूएसए में कहाँ रहते हैं। तीसरा उन्होंने पूछा कि आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मैंने बोला मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड का वीज़ा है क्या, तो मैंने बोला हाँ उनका ऑलरेडी वीज़ा है, और वो क्या करते हैं, मैंने उनकी जॉब बता दी कि वो एक पायलट हैं, और दैट्स इट। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया और उन्होंने मुझे बोला कंग्रेचुलेशंस। मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाई तब तक, तो मतलब उन्होंने मेरे पीछे वाले बंदे को इशारा करके आगे बुला लिया। दिस इज़ इट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपकी एजेंडा होना चाहिए कि उनको सेटिस्फाई करना कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यूएस एम्बेसी जाके इंटरव्यू देने का, और 7 दिन बाद मेरा पासपोर्ट आ गया था यूएस वीज़ा हासिल करने का। और अगर आपको कोई भी और सवाल जवाब करना है, कुछ पूछना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आप भर रहे हो बीच प्रोसीजर में हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ दिन में हम लोग निकलने वाले हैं यूएसए के लिए, और उससे मतलब जब तक हम जाएंगे आई थिंक उससे पहले मैं सारी एडिटिंग वगैरह करके डाल दूंगी ये व्लॉग, और आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग मैं डालूंगी यूएसए से, रीच्ड यूएसए, माय फर्स्ट टाइम इन यूएस व्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।